अगली खबर है मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान से जुड़ी हुई, जहां केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें योजनाओं से वंचित लोगों को शिविर के माध्यम से लाभ देने का काम ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत खाजा ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिरमौर विधायक युवराज दिव्यराज सिंह रहे, अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश उर्मलिया ने किया। वहीं सबसे पहले भारत माता के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद सिरमौर विधायक ने कहा कि प्रदेश की शिवराज सरकार की मंशा है कि हर गरीब को योजना का लाभ मिले, जिनमें पीएम आवास संबल योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, प्रसूति योजना का लाभ हर गरीब को मिले। इस कार्यक्रम का सफल संचालन मंडल महामंत्री अखिलेश सिंह ने किया। वहीं सिरमौर विधायक ने हरिजन आदिवासियों को रहने के सरकारी जमीन में पट्टा दिलाने की बात कही। इस मौके पर सरपंच सियावती आदिवासी, सचिव विष्णुदेव पांडे, जीआरएस धर्मेंद्र सिंह डभौरा, नगर परिषद के विधायक प्रतिनिधि संजय गुप्ता, पार्षद रावेंद्र राय दीक्षित, समाज सेवी प्रदीप सिंह, पप्पू मांडा, जिला कार्य समिति सदस्य दिनेश प्यासी, समिति प्रबंधक उदय भान सिंह, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष रवि सिंह, रामायण प्रताप सिंह, राम सिंह, अनिकेत के सरवानी, कामता कोल, दयानंद पांडे, कुंभकरण कोल, उप सरपंच ब्रिजेंद्र सिंह, कामता सिंह सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। हमारे मध्य प्रदेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि हमारी गरीब जनता जो जिनको तरह तरह की योजना हमारी भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कई सारी योजना, अभी 33 योजनाओं के बारे में तो शिविर में किया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी योजनाओं से हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त नहीं कर पाती थी या उनको जानकारी का अभाव रहता था और वह जानकारी के लिए दर दर भटकते रहते थे। ऐसी परिस्थिति को खत्म करने के लिए जनता को जो लाभ प्राप्त करना है उसकी दूरी कम करने के लिए इस शिविर का आयोजन गाँव गाँव में करवाया गया है। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक शिविर हमारे मध्य प्रदेश की जनता के लिए हो रहा है। ये पहली बार मैं मानता हूँ कि हमारी जनता कई बार देखती है कि शिविर होते हैं लेकिन शिविर का कभी कोई निराकरण नहीं होता है, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि ये शिविर केवल एक बार नहीं होगा, ये शिविर एक बार केवल आपके फॉर्म इकट्ठा करने के लिए होगा और दोबारा एक महीने के अंदर इसका शिविर का निराकरण करने के लिए भी इसका प्रावधान किया गया है। और पूरे जितने भी आवेदन आ रहे हैं ये सारे आवेदन आपके डायरेक्ट ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज किए जाएंगे और उसमें उसकी पूरी मॉनिटरिंग करके उसका निराकरण किया जाएगा। अभी कुछ ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले मैं शिविरों में नहीं आ पाया क्योंकि उस दिन दोनों हमारे मंत्री जो कि हमारे रीवा के प्रभारी हैं अरविंद भदौरिया जी और नानो जी दो तीन मंत्रियों को इसमें प्रभार दिया गया कि हर जिले में वो जा करके जानकारी ले कि कितने पोर्टल में काम डाले जा रहे हैं और उनकी प्रगति क्या हो रही है। साथ में मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि कई बार कई जगह ये समस्या आ रही है कि सचिव लोग कह रहे हैं कि हम लोग ये आपका आवेदन नहीं लेंगे। तो मैं पहली बात तो यहाँ पे सचिव लोग से मैं निवेदन करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी आवेदन हो, भाई पुलिस थाना और आपसी झगड़े अगर तहसील के हैं उनको छोड़ करके आप हर विभाग का आवेदन इस मंच इस कार्यक्रम के माध्यम से सारे आवेदन आप ले लीजिए, चाहे वो गरीबी रेखा का हो, चाहे पट्टा वितरण के लिए पट्टा आपको अगर जमीन का अधिकार चाहिए तो उसका है, हर प्रकार के जो भी आवेदन है आप इस कार्यक्रम में आप देने का काम करें। अभी लगभग 75 आवेदन आपके इस पंचायत में आ चुके हैं, लेकिन मैं जिस प्रकार से जानता हूँ, खाना की जानकारी मुझे है, यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग अभी भी जमीन से वंचित हैं, उनके पास अपना खुद का पट्टा नहीं है और निश्चित रूप से यहाँ पर आवास की अभी बहुत बड़ी आवश्यकता है। यहाँ पर